कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांग रहे किसान संगठन पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि संगठन जब पहले ही इन कानूनों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा चुका है तो फिर विरोध प्रदर्शन की जरूरत क्या है। किसानों को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। कोर्ट ने यहां तक कहा कि आप पूरे शहर का दम घोट रहे हैं, अब आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी आलोचनात्मक टिप्पणी की। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने किसान महापंचायत से कहा, आप ट्रेनें रोक रहे हैं, हाईवे बंद कर रहे हैं, क्या शहरी लोग अपना बिजनेस बंद कर दें? क्या ये लोग शहर में आपके धरने से खुश होंगे? आपने पूरे शहर को अवरुद्ध कर रखा है और अब आप शहर के भीतर आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्या शहर के लोग आपसे खुश हैं? ये सब खत्म होना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद किसान महापंचायत के वकील अजय चौधरी ने कहा कि हम दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों में शामिल नहीं हैं। चौधरी का ये भी कहना था कि रोड पुलिस की तरफ से ब्लॉक की गई है, ना कि किसानों की तरफ से। अजय चौधरी की इस दलील के बाद कोर्ट ने उनसे कहा कि आप हलफनामा दाखिल कीजिए कि किसान महापंचायत रोड ब्लॉक करने वालों में शामिल नहीं है। किसान महापंचायत के वकील ने कहा कि हम भी समाधान चाहते हैं, लेकिन रोड ब्लॉक करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं डाली जा सकती। हलफनामा दाखिल करने के लिए वकील ने समय मांगा तो कोर्ट ने सोमवार तक सुनवाई टाल दी है। कोर्ट में किसान महापंचायत की तरफ से जो दलील दी गई, कुछ वैसी ही बात गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने कही। न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि हाईवे प्रदर्शनकारियों ने नहीं बल्कि पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। सिंगू बॉर्डर पर भी अंदर तक गाड़ियां चल रही हैं, बैरिकेड हटा दें तो गाड़ियां आगे निकल जाएंगी। टिकैत ने कहा कि परेशानी तो उन्हें भी है और किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे बात करे और समाधान करे। इसे एक दिन पहले 30 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने किसान आंदोलनकारियों को लेकर इसी तरह की आलोचनात्मक टिप्पणी की थी। बेंच ने किसानों द्वारा रोड ब्लॉक करने को गलत बताया था। बेंच की तरफ से मौखिक तौर पर कहा गया था कि रोड ब्लॉक नहीं की जा सकती और किसी भी मुद्दे का हल न्यायिक या फिर संसदीय बहस मुबाहसे से होना चाहिए। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी? खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?